उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन निरंतर लगभग 3 सालों से पूरे बिहार में आत्मनिर्भर बिहार, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में हमारा बिहार आत्मनिर्भर कैसे हो, इसमें हम लोगों ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है। हम लोगों का किसी तरह का कोई नेटवर्किंग या किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रहता है। हम लोगों का एक जन जागरण के माध्यम से हर एक व्यक्ति को यह बताया जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को हाई कैसे करेंगे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ करके उनके प्रोडक्ट को डोर टू डोर पहुंचाया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रशिक्षण के तहत रोजगार को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके तहत में प्लेट कप का फैक्ट्री हो गया हो या चप्पल का फैक्ट्री हो गया हो या कपूर फैक्ट्री हो, बहुत सारे फैक्ट्रियों को हम लोगों ने परस्पर ग्रामीण स्तर पर उतारने का काम किया है। इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा? इसमें तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आज के डेट में हजारों साथी जुड़े हुए हैं, वो अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज का जो मुख्य उद्देश्य रहा है आप लोगों को बुलाने का, मीडिया को जानकारी देने का, तो आज हमारे पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल लगभग 6 जिले के जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। जो जिला कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि वहाँ जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, पंचायत कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, उनको सुविधा को मुहैया कराना, यानी प्रोडक्ट को मुहैया कराना, प्रशिक्षण देना, यानी कि ग्रामीण स्तर पर हम लोग कैसे लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जिला कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति किया है। और आगे आने वाले समय में आगाज इंडिया फाउंडेशन एक बहुत बृहद रूप से आत्मनिर्भर बिहार का रूपरेखा तैयार कर रही है, जो कि सरकारी मिशन को भी कामयाबी दिलाने का काम कर रही है। किन किन क्षेत्रों में आगाज इंडिया फाउंडेशन काम कर रही है? मैंने बताया कि लघु उद्योग, गृह उद्योग और डोर टू डोर मार्केटिंग के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो पार्ट टाइम डोर टू डोर अगर काम करते हैं तो प्रतिदिन उनको 500 रुपये का अगर बेनिफिट होता है तो कम से कम खुद तो आत्मनिर्भर है। इसलिए हमारा है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में कोई भी युवा अपने खुद इतना इकोनॉमी का वो ये हो, एक इकोनॉमी मजबूत हो कि वो दूसरे पर आधारित जिंदगी न जिए। रोजगार के क्षेत्र में आगाज इंडिया काम पहले भी करते आई, आज भी कर रही और आगे भी काम करते रहे। जो बेरोजगार युवा भी बैठे हुए उनके लिए क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, देखिए, शॉर्टकट सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो सकता। काम आपको करना ही होगा। आप यहाँ करें, बिहार से बाहर करें, बिहार में करें। जब काम ही करना है तो फिर हम अपने बिहार के लिए क्यों ना करें, बिहार को, मम्मी को क्यों ना बेहतर बनाएं। हम अगर जिस राज्य का वासी हैं उसकी मिट्टी का कर्ज क्यों ना अदा करें। अभी आपने 2 कोऑर्डिनेटर को ज्वाइन किया है, उनका परिचय करा दें। एक विराट जी हैं, ये आपको पूर्णिया से हैं, और एक रमन कुमार मंडल जी हैं जो कटिहार से। ये दोनों आज से विधिवत आगाज इंडिया फाउंडेशन के लिए काम करेंगे, और आने वाले समय में जिस तरह से संस्था का नियम है उसके अनुसार काम करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। आगाज इंडिया प्रमुख विकास चौधरी। मैं कटिहार से हूँ, जो कि आगाज इंडिया फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं आज से, और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए आज से काम का जागरूकता शुरू कर देंगे। हम विराट कुमार है, पूर्णिया जिला के निवासी हैं। आज और इसी वक्त से हम आगाज इंडिया फाउंडेशन से कदम मिला के बेरोजगार युवा को रोजगार देने का काम करें, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हैं।